लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज से भाजपा का टूट संबंध रहा है। ये क्षेत्र हमेशा भाजपा पदाधिकारियों का गढ़ रहा है। इसी क्रम में सीहोर जिले की कमान भी बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में सौंपते हुए रवि मालवीय को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, जिससे नसरुल्लागंज क्षेत्र में भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। वहीं रवि मालवीय के निवास पर नेताओं का हुजूम लगा हुआ है और क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पहुंचकर पुष्पहार पहनाकर बधाई दे रहे हैं व मिठाइयां बांटी जा रही हैं। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, जैसे आपको जिले की कमान मिली है, अपन विपक्ष में है, क्या भूमिका रहेगी आपकी विपक्ष के नाते जिले में? देखिए, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दी है। निश्चित रूप से मैं पार्टी के वरिष्ठ जनों का और पूरे ज़िले के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, सम्मानीय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह जी सहित पूरे पार्टी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ में ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन वास्तव में सीहोर जिले में जिसका नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हों, वहाँ हम कभी विपक्ष में हो नहीं सकते। हमारे चारों विधायक और तीनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसलिए इस ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य और दायित्व ये होगा कि जनता से जुड़े जो मुद्दे, जो कांग्रेस की सरकार जिसने अराजकता का माहौल बना रखा है, यूरिया किसानों को मिल नहीं रहा और आज पूरे क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं, छोटे छोटे कामों को लेकर हमारा गरीब परेशान होता है, रेत माफियाओं का बोलबाला है, इसके खिलाफ जब आवश्यकता लगेगी तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हम सड़कों पर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जो रचनात्मक सहयोग यदि सरकार को कहीं करने की आवश्यकता हुई और वो अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम रचनात्मक सहयोग भी करने को तैयार होंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और जनता की मांगों को लेकर, जनता की बातों को लेकर हम लोग हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बूथ लेवल पर बहुत मजबूत स्थिति में है, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, उस संगठन को और मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को हर घर घर तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता हो। जिस प्रकार भाई साहब किसानों के मुद्दे जो हैं, जैसे कर्ज माफी है, यूरिया की दिक्कत आ रही, किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाएगी? जो मुद्दे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किए थे, जिसमें कर्ज माफी 2 लाख रुपये तक की, इसके बाद जो भी वादे किसानों से किए, कांग्रेस की सरकार के वो वादे झूठे साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व समय समय पर आंदोलन के लिए अग्रसित रहा है और हमने आंदोलन किए हैं, लेकिन फिर से इन मुद्दों को लेकर किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। उनका कर्ज माफ़ कराकर ही भारतीय जनता पार्टी दम लेगी। यूरिया की जो किल्लत है, हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कल बुधनी में एक बड़ा जनसंवाद आयोजित कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कल हम इन सभी मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बुधनी में करेंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र सीहोर की, चाहे आष्टा हो, इछावर हो या सीहोर हो, इन सभी में हम स्थानीय नेताओं के साथ बैठकर जो भी मुद्दे होंगे, किसानों के हित के हों, हमारे मजदूर भाइयों के हित के हों और किसी भी समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा जो उनके हित को प्रभावित करने वाला होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी और सड़कों पर आंदोलन करने से कभी नहीं चूकेगी। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।